हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू अन अकेडमी नीट वेलकम टू आवर थर्ड सेशन ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन एवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी चैप्टर नहीं बोलना चाहिए एक तरीके की कहानी है कि कैसे आए पहले कौन आया किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज दी यूनिवर्स कैसे आया होगा यूनिवर्स पर अर्थ कैसे आई अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई देन उस लाइफ में उस लाइफ में पहले कौन आया

Said, कि यहां पर जो नॉन लिविंग मैटर है ना उससे अचानक से क्या आ गई होगी लाइफ आ गई होगी बट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि किसने सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी दी कि न्यू लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ठीक है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ तो आ गई लेकिन जो फर्स्ट लाइफ थी वो कैसे आई ये तो वही बात होगी बच्चों पहले पहले मुर्गी आई या फिर पहले एग आए है ना? लेकिन इसका भी हमारे पास है, उन्होंने बोला कि कैसे आई होगी बाय बच्चों रिएक्शंस इन इन ऑर्गेनिक में आपस में रिएक्शन हुआ अर्ली एटमॉस्फेयर में अर्ली अर्थ में फर्स्ट ऑर्गेनिक बने सिंपल

क्या सबूत है कि एवोल्यूशन हुई सबूत दिखाइए तो हमने सबूत भी दिखा दिए कि आप अर्थ को डिक करके देख लो आपको फॉसिल्स मिलेंगे आपको पता चलेगा देआर वर्स सम पास्ट ऑर्गेनिज्म विथ सम प्रमेटिव फीचर्स एज ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म पता लगेगी तो हमने कल डिस्कस किया था अबाउट स्टडी ऑफ फॉसिल्स वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सब मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस जिसमें हमने होमोलोगस ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन के बारे में पढ़ा देन वी डिस्कस्ड अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑन हाइकल का लॉ याद है बता दो क्या नाम था उस लॉ का क्या नाम था बच्चों उस लॉ का है ना क्या नाम था एक लॉ दिया था अर्न्स हैकल ने जब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात हुई थी तो एक तो लॉ बताइए और ये भी बताइए किसने डिसअप्रूव किया था अर्ंस हैकल के उस लॉ को दो चीजों का इंपॉर्टेंट नाम आपने मुझे अभी बताना है एंड बाकी की बात बाकी के एविडेंसेस एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं हम आज लेट स्टार्ट आवर सेशन my नेम इज बच्चों सी पाहजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन An Academy नीट चैनल आप एवरी मुझे मिल सकते हैं कितने बजे पांच बजे लेकिन सिर्फ बायोलॉजी से तो कुछ नहीं होगा फिजिक्स में पढ़नी है केमिस्ट्री में बढ़नी है कहाँ से पढ़ेंगे फ्रॉम द अमेजिंग टीम ऑफ Academy नीट आप जानते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने सॉलिड दमदार टीचर्स हैं एक्सपीरियंस टीचर्स हैं ठीक है तो सबका टाइम आपको नोट करके रखना है याद करके रखना है नहीं याद रहता तो अपने स्टडी टेबल में सामने लिख लो है ना देख देख के याद हो जाएगा यही तो तरीका है याद करने का जितनी चीजें अपनी आंखों के सामने रखोगे उतना ही इजी वे में लर्न हो जाता है जैसे हम साइंटिफिक नेम्स की बात करते कि बड़ा टफ है याद नहीं हो रहा सामने आप लिख के अपने स्टडी टेबल के आगे पेस्ट कर लो हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टडी टेबल को देख ही नहीं रहे हैं हम तो बेड में घुसे हुए हैं नो यू हैव टू पेस्ट द थिंग वेयर यू मोस्टली कीप योर आई ऑन जैसे हम अगर बैठ के पढ़ते हैं आपके सामने जो भी वॉल है वहाँ पर आप कुछ भी ऐसी फॉर्मूला कुछ भी ऐसा नाम जो याद करना चाहते हैं वहाँ पेश कर दो जाने अनजाने में नजर तो जाएगी नजर जाएगी तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा ठीक है तो सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है प्रॉपर कोर्सेज जिसमें आपका सारा कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट होता है टेस्ट सीरीज होती है मंथली क्विजेज होती है डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरा क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ का कोर्स तो चल ही रहा है ये तो चलो ऑन गोइंग है फ्रॉम मंडे फ्रॉम मंडे बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन क्रैश कोर्स स ऑन प्लस वी आर कमिंग अप विद वन वेरी अमेजिंग क्रैश कोर्स ठीक है तो उसमें आप एनरोल कर सकते क्या खासियत है इस क्रैश कोर्स की इंडिविजुअल अटेंशन आप यूट्यूब पर भी देखेंगे है ना बड़े क्रैश कोर्स हैं लेकिन क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए होते हैं उन बच्चों के लिए होते हैं आप कुछ समझ के देखो किन के लिए होते हैं जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए तैयारी कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन के पास क्या एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है क्या एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है कि मैं थोड़ा सा इधर से देखूं थोड़ा सा उधर से देखूं जहां भी यूट्यूब की बात आती है भीड़ बहुत है भीड़ के बीच भी, बीच में कहीं आप खो ना जाए है ना ये इसका हमें डर है कि आप लोग खो ना जाए क्योंकि आपके पास वक्त है कम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो तो बिना एक्सपेरिमेंट के इंडिविजुअल अटेंशन के साथ अगर रियल क्रैश कोर्स करना चाहते हो देन दिस इज द वन फॉर यू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मंडे मंडे मतलब फोर्टीन ऑफ डिसम्बर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है ये सारी टीम हमारे साथ रहेगी जो आप सामने टीम देख रहे हो ना दिस इज द टीम विच विल टीच यू दैट क्रैश कोर्स ठीक है तो वाइज डिसीजन लेना अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट करना दिस इज माई गाइडेंस टू बाकी आप खुद समझदार हैं ठीक है अगर सब्सक्रिप्शन लेने का मन बने तो आप कैसे भी ले सकते हैं थ्री मंथ सिक्स मंथ वन ईयर टू ईयर ठीक है बट उसमें इन्वेस्ट करो जिसमें टाइम ज्यादा हो टाइम ज्यादा होगा तो इकोनॉमिकली भी आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा प्लस इन फ्यूचर यू नो आपके पास वक्त बचेगा आपने हर टॉपिक को कवर करने का हर टॉपिक को कवर करना है ठीक है तो जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड दैट इज सी प्लाई विच कैन गिव यू टेन परसेंट ऑफ ऑन टोटल अमाउंट और ये कोड यूज करने से सबके लेक्चर्स दिखते हैं मेरे को मिलाकर सबके जितने भी टीचर्स हैं ना नीट यू कैटेगरी में सबके सेशन आप अटेंड कर सकते हो ठीक है चलो ओके okay?

प्लस के सारे बेनिफिट्स है सारे कोर्सेज वहां भी दिखेंगे बैचेस दिखेंगे सारे टीचर्स दिखेंगे बट इन एडिशन टू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ पर्सनलाइज कोच यू आर गोइंग टू गेट अ पर्सनलाइज कोच जो आपकी छोटी से छोटी डाउट्स uh, को हैंडल करेंगे uh, आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे आपके टेस्ट को एनालाइज करेंगे ठीक है यहाँ पर भी योर मैम इज अवेलेबल आप ये कोड यूज कर सकते हैं टेन ऑफ ऑन टोटल अमाउंट एंड सब्सक्रिप्शन विल कॉस दिस मच मुझसे पूछोगे तो बच्चे को जो जो चाहिए वो सब उसे आइकॉनिक में मिलता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन दैट यू कैन हैव एनी वेयर एनी वेयर ठीक है नाउ ऑन स्पेशल क्लास फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर my 2021 students. स्टूडेंट्स चाहे वो क्लास ट्वेल्थ के हैं चाहे वो ड्रॉपर हैं सबके लिए अपॉर्चुनिटी है जो चैप्टर पिछला आपका छूटा है जो अच्छे से नहीं किया जो इलेवेंथ का पोर्शन याद नहीं है आई एम कमिंग आप I have also I have already come up with this series which is called as beat the backlog series. It will run on special classes. Special classes कहाँ होती हैं? Unacademy. com पर होती हैं, Unacademy की learning app पर होती हैं और ये special classes होती हैं completely free of cost. So these classes are completely free of cost. तो so आपको जो भी backlog बचा है, यहाँ पर हम solve करेंगे. हर बच्चे के लिए वो classes open रहेंगी. Just आप first time अगर app use कर रहे हैं, first time अगर unacademy.com पर स्पेशल क्लास देखने के लिए आ रहे हैं तो आपसे वो हो सकता है इनवाइट कोड पूछे तो इनवाइट कोड डाल देना जिसने आपको इनवाइट किया है दैट इज गोइंग टू बी सी प्लाइव क्या इनवाइट कोड डालेंगे आप सी प्लाइव एंड वी आर गोइंग टू कवर एवरी थिंग ओवर हेयर एंड इज टूमो इज बच्चों थर्टींथ ऑफ डिसम्बर थर्टींथ को क्या है आज तक का सबसे बड़ा कंपटीशन जिसमें मिलते हैं बहुत सारे प्राइजेस है ना अन अकेडमी कॉम्बैट अन अकेडमी कॉम्बैट जिसकी पूरी तैयारी मैंने आपको कहाँ कराई है स्पेशल क्लास में पिछले चार दिन से चल रही थी हमारी स्पेशल क्लास कल भी मिलने वाले हैं लेकिन कल यहाँ नहीं कल मिलेंगे बच्चों यूट्यूब पर नाइन पर 9:30 थर्टी और आपका होने वाला है फाइनल टेस्ट ऑफ अन कॉम्बैट बजे बजे पेपर है से पहले साढ़े नौ यहां पर मिलो मुझसे, एक घंटा तैयारी करो बेस्ट क्वेश्चन सेल्फ आपको बायोलॉजी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बस सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ केमिस्ट्री और फिजिक्स रिवाइज कर लेना क्योंकि साढ़े नौ बजे हम यूट्यूब पर मिलेंगे फॉर इट्स प्रेपरेशन राइट बच्चों चलिए आगे चलते हैं विद आवर क्लास टूडे ऑफ एवोल्यूशन एक मैंने होमवर्क दिया था आपको होमवर्क देख लेते हैं क्या था आई गे वी वन होमवर्क क्वेश्चन याद है बच्चों याद है सबको ओके चलिए सो दिस वॉज योअर होमवर्क क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट सब बच्चे आंसर तो जिन्होंने कल नहीं दिया था या कॉमेंट सेक्शन में नहीं लिखा था टेंड्रल्स इन डिफरेंट प्लांट्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ टेंड्रल्स इन डिफरेंट प्लांट दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन ओ और बोथ वन एंड टू बताइए कमन गाइज बताइए क्वेश्चन दिस वॉज आवर क्वेश्चन टेनरल्स इन डिफरेंट प्लांट दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस डाइवर्जेंट होमोलोगस और बोथ वन एंड टू चलो बता दो इसमें से तो मतलब आप सिर्फ ऑप्शन को भी देखोगे ना तो भी आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल दोगे मान लो टेंडरल के बारे में कुछ नहीं पता सिर्फ ऑप्शन भी देख रहे हो तो भी एलिमिनेशन रूल डलता है तो भी एलिमिनेशन रूल डलता है हाँ जी देखें जरा कौन ठीक आंसर दे रहा है कौन ठीक आंसर दे रहा है ओके okay, एक मिनट यस ऑलमोस्ट सब बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं यस yes, अंकिता ये क्रैश कोर्स लेने से सब सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स पढ़ सकते हो सारे बैचेस देख सकते हो चाहे वो क्रैश हो चाहे डिटेल्ड हो चाहे कुछ भी हो आप सब्सक्रिप्शन लेते कैटेगरी का एक कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं होता है मान लो आपने छ महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो उस छह महीने में जितने भी कोर्सेज है ऑल वुड बी विजिबल बीट क्रैश बीट इलेवेंथ बीट ट्वेल्थ बीट एनी टीचर एनी सब्जेक्ट एवरीथिंग वुड बी विजिबल ठीक है यही तो खासियत है अकेडमी की है ना चलो, प्लांट्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन देखो बोथ वन एंड टू तो वैसे ही गलत है क्योंकि analogous कभी भी divergent नहीं होता ए के साथ तो क्या लगता है हमारा सी ए सी जो लगे होते हैं और एच के साथ हमारा क्या लगता है एच डी होमोलोग क्या होते हैं डाइवर्जेंट बिल्कुल ठीक अनन्या और एनोलॉगस क्या होते हैं कॉनवर्जेंट बिल्कुल सही मज़ा आ गया बच्चों कल का टॉपिक पढ़ के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको इंग्लैंड की कहाँ की स्टोरी सुनेंगे बच्चों इंग्लैंड की इंटरेस्टिंग स्टोरी है इंग्लैंड में चलते हैं हम 1800s में 1850 में क्या देखना है हमने क्या देखना है सो so, इंग्लैंड में इन एटीन फिफ्टीज इन एटीन फिफ्टीज देर वार नो इंडस्ट्रीज कोई इंडस्ट्री नहीं थी पुराना टाइम था कहाँ इंडस्ट्री होंगी ठीक है देर वर नो इंडस्ट्रीज एट दैट टाइम जो हमारे ट्रीज थे वो बड़े सुरक्षित थे जो हमारे ट्रीज थे दे वर हाईली प्रोटेक्टेड नो पॉल्यूशन वॉज देअर मजे चल रहे थे सबके उस टाइम पे मजे चल रहे थे सो so, पॉल्यूशन नहीं था पोल्यूशन नहीं होता तो आप जानते हो कि ट्री की बाग के ऊपर समथिंग ग्रोज क्या ग्रो करता है द वाइट कलर्ड वाइट कलर्ड लाइकन क्या ग्रो करती है वाइट कलर्ड लाइकन बिना अभी इंडस्ट्रीज नहीं आई है तो इंडस्ट्रीज नहीं है तो कोई स्मोक नहीं है स्मोक नहीं है तो कोई पॉल्यूशन नहीं है कोई भी पोल्यूशन नहीं है ठीक है तो ये सीन चल रहा है अब इसके ऊपर बैठने के लिए आते हैं मौत कौन आते हैं मौत दो तरीके के मौत हैं एक है वाइट विंग्ड मौत और एक है हमारे डार्क विंग्ड मौत कौन कौन से है? white हैं व्हाइट विंग्ड और डार्क विंग्ड दोनो? हैं दोनों दोनों के दोनों हैं तो व्हाइट विंग्ड आर लाइक दिस ठीक है मौत ऐसे बना दिए मैंने व्हाइट विंग्ड दे आर लाइक दिस और एक है डार्क विंग कोई डार्क कलर चूज कर लो बच्चे डार्क विंग आर लाइक दिस ठीक है और इन मौत को खाने के लिए कौन आते हैं बर्ड्स इनके शिकारी कौन है बच्चों इनके शिकारी कौन है बर्ड्स तो जब नाइन एटीन में इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रीज नहीं थी उस टाइम पे बर्ड आया उसने पूरे ट्री को स्कैन किया उसको कौन इजीली दिखाई देगा कौन इजीली दिखाई देगा बच्चों बताइए कौन इजीली दिखाई देगा कौन इजीली दिखाई देगा व्हाइट वाला तो बच्चे छुप जाएगा किसके पीछे लाइक के पीछे इट विल कौन इजीली दिखाई दे रहा है जो थोड़े डार्क कलर का है जो थोड़े डार्क कलर का है ठीक है तो सर्वाइवल किसका बेटर हुआ सर्वाइवल किसका बेटर हुआ व्हाइट विंग्ड मॉथ का सर्वाइवल हुआ बेटर तो नंबर भी पॉपुलेशन में किसका ज्यादा होगा व्हाइट विंग्ड मॉथ ये एक केस है अभी 1850s की बात कर रहे हैं सो so ये देखिए अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम द इंग्लैंड इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ्स मेड इन 1850 दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एटीन फिफ्टी कौन सा टाइम है बिफोर इंडस्ट्रिया कोई पोल्यूशन वोल्यूशन ज्यादा नहीं था इट वॉज ऑब्जर्व दैट देर वर मोर कौन ज्यादा थे वाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे देन द डार्क विंग्ड मॉथ डार्क विंग मौत को और क्या बोल सकते हो आप मेलेनाइज मौत दिस इज एस एक्चुअली बिस्टन इन बट आपको सिर्फ मौत के टर्म में याद रखना है किसका नंबर ज्यादा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट का क्योंकि ट्रीज की बाग क्या थी वाइट क्यों व्हाइट थी क्योंकि पोल्यूशन की एब्सेंस में बाग के ऊपर कौन ग्रो करते हैं लाइक एक्चुअली लाइक ना बच्चों बहुत सेंसिटिव है पोल्यूशन होगी तो ग्रो नहीं करेंगे जब साफ सुथरा इन्वायरमेंट है तब आकर अपना पूरा घर बसा लेंगे यहां पर आप इनको पहचानते हैं नई नहीं आपके लिए सो so, लाइक की वजह से जो व्हाइट वाला था वो छिप जाता था बर्ड्स देख नहीं पाते थे और डार्क वाले की आ जाती थी शामत ठीक है तो नंबर किसका ज्यादा हुआ एटीन में नंबर किसका ज्यादा हुआ वाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू डार्क विंग्ड मॉथ राइट क्योंकि वो सरवाइव बेटर कर जाती थी ठीक है हाउ एवर इन द कलेक्शन कैरीड आउट फ्रॉम द सेम एरिया अब सेम एरिया लिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अब 1850 से उठ के स्टोरी चली गई है कहाँ पर 1920 में कहाँ पर लेके जाना है अब स्टोरी को 1920 में 1920 में उन्होंने बोला इंडस्ट्रीज आ गई इंडस्ट्रीज आई तो बच्चे धुआं बढ़ा स्मोक बढ़ी स्मोक बढ़ने की वजह से क्या हमारी लाइकन ग्रो कर पाएगी क्या हमारी लाइकन ग्रो कर पाएगी नो बच्चों क्या लाइकन ग्रो कर पाएगी बिल्कुल नहीं लाइकन तो बहुत सेंसिटिव है और ऊपर से स्मोक बढ़ती जा रही है स्मोक बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ये एरिया क्या हो गया है डार्क बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ सूट पार्टिकल्स नाउ द एरिया नाउ द बाक इट हैज बिकम डार्क डार्क को मैं यहां ब्लू से दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है अदरवाइज ब्लैक ही हो जाता है ठीक है तो अब किसका नंबर ज्यादा होगा देखो व्हाइट भी है यहां पे व्हाइट भी बैठी है ठीक है और यहां पर क्या है ब्लैक भी है ब्लैक मतलब डार्क विंग्ड भी है तो डार्क विंग्ड को भी बढ़ा दो बिठा दो यहां पर ठीक है बिठा दीजिए बिठा दिया अब बर्ड्स को कौन आसानी से दिखाई देंगी शिकारी आ रहे हैं शिकारी को कौन आसानी से दिखाई देगा डार्क के ऊपर डार्क को पहचानना तो बड़ा मुश्किल है कौन पकड़ा जाएगा वाइट वाला पकड़ा जाएगा है ना बच्चों वाइट वाला पकड़ा जाएगा तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हु सर्वाइव्ड बेटर हु सर्वाइव्ड बेटर द द मॉथ डार्क विंग्ड मॉथ बिकॉज इट कुड केमोफ्लाज इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड अब बैकग्राउंड डार्क हो गया वो छुप सकता है अपने बैकग्राउंड में तो नाइनटीन में किसका नंबर ज्यादा होगा किसका नंबर ज्यादा होगा बच्चों व्हाइट और डार्क में से व्हाइट और डार्क में से किसका नंबर ज्यादा होगा द नंबर ऑफ डार्क विंग मॉथ वुड बी मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ व्हाइट विंग मॉथ क्लियर अब याद रखने वाली बात ये, है ये तो आपने समझ लिया पहले कौन ज्यादा है बाद में कौन ज्यादा ईजी था नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ ये ठीक है बिकॉज नेचर ने सिलेक्ट किया नेचर में चेंज आया नेचर में इंडस्ट्रीज आ गई उनकी स्मोक आ गई तो ऐसा चेंज आया जिससे उनका कलर क्या हो गया डार्क हो गया अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एटीन में सिर्फ व्हाइट थी और नाइनटीन ट्वेंटीज में सिर्फ डार्क है बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एटीन फिफ्टी में सिर्फ वाइट थी नाइनटीन ट्वेंटी में आके सभी क्या बन गए डार्क बन गए ऐसा नहीं है एट बोथ द टाइम्स बोथ कलर्स वर प्रेजेंट नन ऑफ द वेरियंट वॉज रूल्ड आउट कोई भी कंप्लीटली एबसेंट नहीं हुआ इट्स जस्ट द डिफरेंस इन देयर नंबर 1850s में वाइट ज्यादा थी 1920s में डार्क ज्यादा है लेकिन प्रेजेंट दोनों हैं याद रहेगा बच्चों प्रेजेंट क्या है प्रेजेंट क्या है दोनों है यह चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है नन ऑफ द वेरियंट वॉज कंप्लीटली एबसेंट यू कैन सी ओवर हेयर यू कैन सी ओवर हेयर ये डायग्राम कहां दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी -E में दिया हुआ है ठीक है सो फिगर शोइंग व्हाइट विंग मॉथ एंड डार्क विंग मॉथ ठीक है ऑन अ ट्री ट्रंक पहला है अनपोल्यूटेड एरिया आप देख ही रहे हो ये कौन सा एरिया है पहला दिस इज अनपोल्यूटेड

जब पोल्यूशन आ गई पोल्यूशन आने की वजह से ट्री का बाग भी क्या हो गया डार्क हो गया तो किसके मजे हो गए किसके मजे हो गए बच्चे जो डार्क कलर की थी जिसके मजे उसने खूब रिप्रोडक्शन चालू कर दी जितनी ज्यादा रिप्रोडक्शन उसका नंबर क्या हो गया बढ़ गया तो ज्यादा नंबर किसका रहेगा डार्क का एज कंपेयर टू वाइट क्लियर बच्चों साथ साथ बता दो साथ साथ बता दो एब्सोल्युटली क्लियर सो द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन वॉज दैट मॉथ अगेंस्ट द कंट्रासिंग बैकग्राउंड ये क्लियर है बिल्कुल ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड ट्री ट्रंक बिकेम डार्क क्योंकि स्मोक आई स्मोक आया सब कुछ हुआ पोल्यूशन आई ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट अंडर दिस कंडीशन वाइट विंग्ड डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडिटर्स बर्ड आते थे उनको कंट्रास्टिंग कलर की वजह से व्हाइट दिखती थी और फटाफट से क्या कर लेते थे उनको कंज्यूम कर लेते थे जबकि कौन सर्वाइव किया डार्क विंग्ड और मेलेनाइज मॉथ इट सर्वाइव्ड ये सर्वाइव कर गई ठीक है जो सर्वाइव करेगा वही फिट कहलाएगा और फिटनेस क्या होती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस हमने कल ही बात की थी फिटनेस वो जिम वाली फिटनेस नहीं याद करनी कि जो 10 किलो का डंबल उठा ले मैम वो फिट नो अकॉर्डिंग टू डार्विन यहां पर जितने भी फिटनेस की बात कर रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस कि जो अपने ऑफस्प्रिंग का नंबर आगे और बढ़ा पाए यहां पर आफ्टर पोल्यूशन कौन ज्यादा फिट था कौन अपना नंबर बढ़ा पा रहा था डार्क विंग्ड मॉथ है ना तो वो हो गई आपकी फिटनेस सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पुराना आ जाओ फिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइक कवर द ट्रीज सो दैट द बैकग्राउंड वॉज वाइट विंग मॉथ दे कुड बेटर देन द डार्क विंगड ठीक है और ये भी बता रहे हैं आपने पढ़ा हुआ है बॉटनी में टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है लाइक कैन बी यूज एज इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पोलूशन जहां लाइकन वहां कोई पोल्यूशन नहीं जहां नहीं लाइकन वहां पर एनवायरमेंट में क्या होती है स्पेशली एस ओ टू किसका इंडिकेटर होता है एस ओ टू ठीक है चलिए सो दे विल नॉट ग्रो इन द एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड राइट क्लियर एक एक लाइन एक एक वर्ड हम क्लियर कर रहे हैं बच्चों यहां पर हैंस द मॉथ ज केमोफ्लाज camouflage. Camouflage का मतलब होता है छुप जाना बैकग्राउंड के साथ जैसे हमारा केमिलियन नहीं होता बच्चों जिस कलर का ट्री का बैकग्राउंड है वो वैसे ही अपना कलर चेंज कर लेता है क्यों बचने के लिए ताकि शिकारी उसको देख ही ना पाए क्योंकि जैसा बैकग्राउंड है आपने वैसा ही अपना रंग बना लिया दैट इज कॉल्ड लैस दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लैस केमोफ्लाज ठीक है दैट इज दे केन हाइड इन द बैकग्राउंड एंड दे के फैक्ट

वो सत्य वचन है और उन सत्य वचन से हम हट नहीं सकते इसने एपसेंट नहीं बोला क्या बोला है लो बोला है ठीक है दिस शोड दैट कैन बेटर दोज दैट कैन बेटर विल सर्वाइव जो सरवाइव करेगा वो अपना पॉपुलेशन साइज क्या करेगा बढ़ाएगा इसी कोई तो क्या बोला है हमने रिप्रोडक्टिव इसी ही तो हमने क्या बोला है रिप्रोडक्टिव फिटनेस यस बच्चों क्लियर राहुल इट्स योर अंकित राज सुशील डेमन, तन्वी डॉक्टर लाल देखो कितने सारे डॉक्टर हैं आई लव दिस ऑप्टिमिज्म ये जो बच्चे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं ना मुझे इतना सही लगता है क्योंकि ये लगाने के लिए भी गट्स चाहिए हर कोई नहीं लगा सकता आप देखेंगे सिर्फ आधे बच्चों के नाम के आगे डॉक्टर है ऐसा क्यों बिकॉज जो लगाता है वो एटलीस्ट सोचता है उसके बारे में कि मुझे डॉक्टर बनना है मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है वो सोच आनी पहले जरूरी है तभी तो काम करोगे उसके आगे तो आई फील रियली प्राउड ऑन माई दो स्टूडेंट्स दैट दे हैव गॉट टू पुट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ देयर नेम और वो फिर उसके लिए काम भी करेंगे है ना फिर तो थोड़ी ईगो पे भी आ जाएगी कि मैंने दो साल तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया और उसके बाद अगर नहीं मने

क्या डेट है बच्चों ट्यूसडे को है 15 फिफ्टींथ ऑफ दिसम्बर उस दिन आपकी होगी असली तैयारी ठीक है याद रखना बच्चों फिफ्टींथ ऑफ दिसम्बर पांच बजे इसी जगह पर आपको कुछ नया मिलेगा कुछ नया मिलेगा बस अब ये मैं नहीं बताऊंगी सरप्राइज सरप्राइज तभी रहेगा चलो आगे आ जाओ रिमेंबर दैट नो वेरियंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट बात हो गई है कोई भी कंप्लीटली एबसेंट नहीं होता सिमिलरली और एग्जाम्पल ले लो जो बेटर फिट है वही सर्वाइव करेगा उसी की एग्जाम्पल है एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स

फिर आपने इस कल्चर मीडियम को चेंज कर दिया अब 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 आपने इस कल्चर कल्चर मीडियम मीडियम में क्या डाल 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 दिए दिए, दिए, दिए। ड्रग्स ड्रग्स ठीक है, एंटीबायोटिक्स ये चेंज हो गया। तो उड़ गए बच्चों वो नहीं कर ने उनको मार दिया कितने बच गए सर्वाइव आउट ऑफ दिस के पास कुछ एक्स्ट्रा था क्या था कुछ जीन्स में उनके अलग हुआ कुछ चेंज आया जिनकी वजह से ये क्या बन गए ड्रग रेजिस्टेंट बन गए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गए है ना कुछ जीन्स में चेंज आया और अगर इन पांच में आ गया तो जब ये पांच आगे डिवाइड करेंगे पांच से इन्होंने पचास बनाने हैं तो अगले पचास में भी आएगा दैट मीन्स देअर इज समथिंग विच हैपेंड इन देअर जीन्स फिटनेस के लिए अडेप्टेबिलिटी के लिए कुछ चेंज आया एंड दैट चेंज टू द जनरेशन ठीक है तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि पुराने टाइम में जो एंटीबायोटिक लेते थे आज वो एक्ट ही नहीं कर पाती है बॉडी के बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाती है क्यों क्योंकि बैक्टीरिया में क्या आ चुकी है एवोल्यूशन क्या आ चुकी है नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने ऑब्जर्व किया अरे नेचर में अब क्या आ गया है ड्रग्स आ गए हैं एंटीबायोटिक्स आ गए हैं कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा तो उन्होंने क्या शो करी कुछ ऑर्गेनिज्म बेटर निकले उन्होंने अपने जीन्स में चेंज लाया चेंज लाने की वजह से दे कुड सरवाइव एंड दैट चेंज वुड बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जेनरेशन ओके द सेम हैपन इन केस ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैराइटीज पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वैराइटीज चलिए आगे चलते हैं हेंस द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आर अपियरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और इयर्स एंड नॉट द सेंचुरीज आर एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है डू यू नो द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड कि वो जो बैक्टीरिया में एवोल्यूशन आई थी ये जो एवोल्यूशन आई थी कि पांच सर्वाइव कर गए उन्होंने आगे और अपनी प्रोजनी बढ़ाई फिट हो गए ये क्यों आई क्योंकि ड्रग्स किसने डाले ड्रग्स क्या कोई सुपर पावर आई थी है ना डोरेमोन आया था किसने ड्रग्स डाले मैन ने डाले तो एवोल्यूशन किसने ड्राइव किया किसने उनकी नेचर चेंज की मैन ने की सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन विच इज ड्रिवन बाय एंथ्रोपोजेनिक मींस मैन मेड मीन्स ठीक है बच्चों सो दिस टेल्स दैट एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन अ सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म इट इज अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है ना स्टोकैस्टिक इसको अपने मन के अंदर मन के अंदर बच्चों मंत्र की तरह घोल लो क्योंकि ये वर्ड आपसे मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है ये कहना चाह रहे हैं कि क्या एवोल्यूशन अंधाधुंध बस एक ही अपना एम पकड़ के चलती रहेगी नो एवोल्यूशन विल नॉट वर्क टूवर्ड समथिंग फिक्स्ड। एवोल्यूशन इज अ चांस इवेंट चांस इवेंट मींस इट विल इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द नेचर नेचर में जैसा चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इवॉल्व करेंगे पहले से सोच कर नहीं रखा था पहले से सोच कर नहीं रखेंगे कि आने वाला ह्यूमन वो होगा जो कंप्यूटर की तरह काम करेगा आने वाला ह्यूमन वो होगा जो जो सेंस कर पाएगा उसके पास सुपर नैचुरल पार होगी नो no. आज हम सोच के नहीं चल सकती एवोल्यूशन ने प्लान नहीं किया हुआ होगा कि ऐसे होगा नो no. जैसे जैसा एनवायरमेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे चेंजेस आते जाएंगे सो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द एन्वायरमेंट द चांस फैक्टर एनवायरमेंट में अगर ए टाइप का चेंज आया तो लोग उस तरी उस तरफ इवॉल्व होंगे एनवायरमेंट में अगर बी टाइप का चेंज आएगा तो लोग उस तरफ इवॉल्व होंगे क्लियर बच्चों ये देखो आई लव डोरेमोन आई लव भूतनाथ कहां पहुंच जाते हो ना आप कहाँ पहुंच जाते हो मैम ने एग्जाम्पल से किया एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता मैन मेड ड्रिवन बाय मैन है ना चलो चलो आगे आ जाओ आगे आ जाओ बच्चों क्लियर हुआ स्टोकैस्टिक प्रोसेस का क्या मतलब है दैट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द चांस कि जैसा एनवायरमेंट चेंज वैसी ही एवोल्यूशन अब मान लो जैसे मैं आप में एग्जांपल लेके बताती हूँ सिंपल सी <laughs> आज आपके आ, नीट के एग्ज़ाम की बात करते हैं नीट के एग्जाम में 17 लाख जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दी थी वैसे बात करते हैं 17 लाख स्टूडेंट अपियर करते हैं कौन अच्छा करेगा कौन आगे निकल जाएगा जिसकी बायो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए क्यों क्योंकि 50 परसेंट पेपर कहाँ से आता है बायो में से आता है आज के टाइम पर आज के नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग द पर्सन वुड बी फिट जिसके मा जिसका बायोलॉजी क्या है स्ट्रांग है मान लो नीट का पैटर्न चेंज हो जाए आज के टाइम पे मान लो बायो स्ट्रॉन्ग है रिद्धिमा सौरभ और शिवम की तो आज के टाइम पे आप सब में से कौन फिट है रिद्धिमा सौरभ और शिवम क्योंकि इनकी बायो स्ट्रांग है इनको एक्स्ट्राइज मिल जाएगा लेकिन कल एन की मान लो नोटिफिकेशन आई कि इस बार पर फिफ्टी परसेंट सिलेबस आएगा फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में से तब ये रिद्धिमा शिवम

कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं है जैसा जैसा एनवायरमेंट चेंज वैसी ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस कि मुझे इसी दिशा में जाना है बिल्कुल रिजिड नहीं है एवोल्यूशन ठीक है बच्चों चलिए आगे चलते हैं ओके okay. <laughs> आगे सो ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट इन टू आइलैंड अब आते हैं एक और स्टोरी पे है ना एक नए टॉपिक पे विच इज अडेप्टिव रेडिएशन अब ये टॉपिक में क्या है सिंपल एक भाषा में समझेंगे डार्विन गए शिप में बैठकर कौन सी शिप थी उनकी एच एम एस बीगल कहाँ गए गैलापागोस आइलैंड में है ना आइलैंड में गए घूमने गए उन्होंने अपनी जर्नी में एक स्पेशल टाइप के बर्ड्स देखे क्या देखे बच्चों अपनी जर्नी में स्पेशल टाइप के बर्ड्स देखे ही ऑब्जर्वड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर ऑन कॉल्ड एज डारियन फिंचस अमेज देखो उसने अपनी जर्नी पे एक बर्ड देखा जिसको हम फिंचज बोलते हैं बट आज उन फिंच को दो आर नोन बाय डार्विनियन फिंचज बिकॉज उसने बहुत अमेजिंग सा पैटर्न एक डिस्कवर किया दैट ओरिजिनल पॉपुलेशन इन दैट आईलैंड वॉज ऑफ दोज फिंच जिनकी बीक वॉज सुटेबल फॉर ईटिंग सीड्स ध्यान दो डारविन ने क्या नोटिस किया कि ओरिजिनल पॉपुलेशन फिंचज की वो थी जिन फिंचज के पास ऐसी बीक थी जिससे वो क्या खाते थे सीड्स खाते थे बट लेटर ऑन लेटर ऑन दे इवॉल्व्ड इन टू वेरियस फिंचज विद डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एनसेस्टर कौन सा था सबका सीड ईटिंग फिंच बट लेटर ऑन इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया ओनली दे सब कुछ बन गई बच्चों फ्रूट ईटिंग फिंच कुछ बन गई बच्चों कैक्टस ईटिंग फिंच कुछ बन गई आपकी मतलब ह्यूमस चेंज आया? उनके बीक पैटर्न में आया कैन यू सी वेराइटी ऑफ बीक ऑफ इन ग्लापागोस आईलैंड बीक में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है कि कुछ की बीक है बच्चों इस टाइप की ठीक है कुछ की बीक है इस टाइप की थोड़ी बड़ी है बीक में चेंज आ रहा था ये ऑब्जर्व किया उसने रियलाइज दैट वर ऑफ फिंचेस बहुत सारी थी इन द सेम आईलैंड वर्ड याद रखने वाला है जगह क्या थी सेम ज्योग्राफिकल एरिया क्या था सेम ऑल द वराइटीज ही कंजेक्ट इवॉल्व ऑन द आइलैंड इट सेल्फ एवोल्यूशन कहा हुई उसी ज्योग्राफिकल एरिया में हुई ठीक है फ्रॉम द ओरिजिनल समझ रहे हो ना बच्चों कहीं अभी भी उस बायो और उसमें तो नहीं घूम रहे हो बायो और फिजिक्स में वो बात हो गई कि एवोल्यूशन कैसा है स्टोकेस्टिक नॉट डिटर्मेंट ठीक है फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स मेनी अदर फॉर्म्स विद ऑल्टर्ड बीक्स अरोज एनेबलिंग देम टू बिकेम इंसेक्टिवरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी सीड ईटिंग अब इससे क्या हुई एवोल्यूशन कुछ बन गए आपके फ्रूट ईटिंग मतलब इनकी बीक में चेंज आए कुछ बन गए आपके डेबरी ईटिंग डेबरी ईटिंग सम ऑफ देम इवॉल्व्ड टू फॉर्म कैक्टस ईटिंग ठीक है कुछ क्या बन गए इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट ईटिंग नाउ दिस काइंड ऑफ चेंज वेर फ्रॉम वन ज्योग्राफिक फ्रॉम वन एनसेस्ट्रल स्ट्रॉक वेरियस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी अप इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको अडेप्टिव रेडिएशन ऐसा क्यों हुआ आप, आप सोच सकते हो कि सीड से अचानक से कैप्टीटिंग क्यों बना क्या इनको सीड पसंद नहीं थे पसंद तो थे बच्चों रिसोर्सेस क्या थे लिमिटेड नंबर बढ़ता जा रहा था सरवाइव कैसे करेंगे तो डालनी पड़ेगी जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ एक एग्जाम्पल देते हैं हम एक बच्चा चूज कर लेते हैं वन इज सौरभ एंड अदर वन इज आदित्य सौरभ एंड आदित्य की एग्जाम्पल लेते हैं दोनों सौरभ और आदित्य को उम, पिज्जा बहुत पसंद है ठीक है सौरभ एंड आदित्य पिज्जा लेकिन पिज्जा की कितनी बाइट्स पड़ी हैं कितनी स्लाइसेस पड़ी हैं एक घर में बंद कर दिया दोनों को और खाने के लिए क्या दी एक स्लाइस ऑफ पिज्जा ठीक है एक है सौरभ दूसरा है आदित्य ठीक है एक स्लाइस थी मैंने पिज्जा की अब या तो दोनों लड़ मड़ के आधा आधा कर ले, लेकिन ना ये तो क्या है दुश्मन ये तो क्या है दुश्मन तो क्या किया सौरभ था थोड़ा सा तगड़ा सौरभ ने इस पिज्ज़ा को खाकर अपनी तो भूख मिटा ली अब इसके पास क्या क्या चांस बनता है इसके पास क्या रास्ते हैं या तो ये भूखा बैठा रहे या तो इंतज़ार करे हेल्प आने का या फिर ये क्या करे कि पिज्ज़ा की जगह वहाँ पर इसने ऑब्ज़र्व की कि मेरे पास रोटी भी है क्या है चपाती भी है चपाती भी है ठीक है तो अब आदित्य ने क्या किया अपने माउथ में ऐसे लाए, टेस्ट में ऐसे लाए कि उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं चपाती मुझे ठीक ही लगेगी तो अब आदित्य क्या बन चुका है चपाती ईटिंग और सौरभ क्या है हमारा पिज्जा ईटिंग आर यू गेटिंग कि अडप अडाप्ट करना पड़ा उसमें चेंजेस लाने पड़े उसको अपने टेस्ट बर्ड्स में है ना चेंजेस लाने पड़े तो सीड इटिंग पॉपुलेशन में चेंजेस आए टू टू सर्वाइव अदरवाइज सीड के पीछे ही पड़े रहेंगे तो सब लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपने आप में चेंजेस लाना पड़ता है चेंजेस इन एविटेबल है ना चेंजेस इन एविटेबल कुछ लोग चेंजेस लेके आए कि मैं कैक्टस खा लूंगा ठीक है बीक वैसी बन गई कुछ लोग ने बोला मैं फ्रूट में सर्वाइव कर लूंगा कोई बात नहीं हेल्दी होते हैं न्यूट्रिय तो होते हैं ठीक है वैसी बीक बना ली कुछ लोग ने सोचा कुछ नहीं तो मैं इंसेक्टिव खा लूंगा राइट सो दैट इज वाई दिस फिन इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन समझ आया रेडिएशन बिकॉज सन की तरह है आपकी रेस फैल रही है किरने फैल रही है तो क्या हो गया अडेप्टिव रेडिएशन दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज देख रहे हो डिफरेंट स्पीशीज सी रीटिंग से इंसेक्ट इनसेक्टीटिंग इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया जगह क्या है एक सौरभ और आदित्य को रखा था एक ही हवेली में एक जगह है वन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक पॉइंट से शुरू होके एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ द जोग्राफी इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जैसे मान लो आपके पास है ये बड़ा सा आपके पास क्या है ये पूरा वर्ल्ड है अब हमारा जोग्राफिकल एरिया क्या है वर्ल्ड इधर कौन है इंडिया ठीक है सिंपल था मैम की जोग्राफी भी ठीक ही थी इतनी बुरी नहीं थी इधर क्या है हमारा यूएस इधर क्या है हमारा चाइना ठीक है इधर क्या है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ऐसी है ना बच्चों यही है ना इंडिया से थोड़ा सा ऊपर चाइना इधर यूएस इधर पास में कहीं यूरोप होगा पीछे बड़ा सात समुंदर पार करके जाना पड़ रहा है चलो अब ये जो इंडियंस थे इंडियंस की भाषा कौन सी है इंडियंस की भाषा कौन सी है ओरिजिनल ओरिजिनल वैसे तो हम सब कुछ बोल लेते हैं हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब बोल लेंगे बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर हिंदी स्पीकिंग ठीक है एक कोई इंडियन था जिसको हिंदी आती थी हिंदी आती थी ओरिजिनली ही वॉज हिंदी स्पीकिंग ओरिजिनली ही वॉज हिंदी स्पीकिंग ठीक है लेकिन बच्चों अगर वो माइग्रेट करेगा यूएस में वहाँ जाकर उसको क्या सीखनी पड़ेगी क्या सीखनी पड़ेगी बच्चों इंग्लिश बिकॉज इट इज देअर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी पड़ेगी अगर वो माइग्रेट करेगा चाइना में क्या सीखना पड़ेगा उसको वहां जाकर चाइनीज सर्वाइव करना है बच्चों अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा कि ऑटो वाले को कितने पैसे देने हैं है ना कितने पैसे देने हैं भाषा तो सीखनी पड़ेगी ठीक है अगर वो माइग्रेट करेगा ऑस्ट्रेलिया तो भी उसका इंग्लिश से काम सर जाएगा दैट मीन्स फॉर अडेप्टन यहां पर हिंदी स्पीकिंग ने क्या सीखी इंग्लिश यहां पर हिंदी स्पीकिंग ने क्या सीख ली चाइनीज सेम वे उसको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ रही हैं जस्ट टू अडेप्ट बट ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी हिंदी स्पीकिंग बट ड्यू टू फॉर अडेप्टेशन देयर वर चेंजेस इन देम एंडेशन अपियर लिटरली अपियर लाइक दैट ऑफ रेडिएशन जैसे एक जगह से किरने निकल रही हैं इसको क्या बोलोगे आप अडेप्ट रेडिएश ठीक है बच्चों क्लियर क्लियर चलिए आगे चलते हैं अनदर एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में भी एवोल्यूशन आई ओरिजिनल मार्सुपियल से बड़ी सारी वेराइटीज बन गई लेकिन बनी कहाँ एक ही जोग्राफिकल एरिया और नाम में ही ऑस्ट्रेलिया है तो कहाँ पर बनी होंगी ऑस्ट्रेलिया वाली जगह पे है ना इसी कॉन्टिनेंट पे बनी है ओके okay, कहाँ चला गया येस yes. ओके मार्सुपियल विच इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन पहली थी हमारी डार्विन फिंचेस अगली है मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम द सेम इंसेस्ट्रल स्टॉक ये देखो सेम इंसेस्ट्रल स्टॉक मार्सुपियल्स में रेडिएशन हुई कुछ क्या बन गए समू टाइगर कैट बैंडेड एंड टीटर मार्सुपियल रैट कैंगरू वोम बैट बंडीकूट क्वाला मार्सुपियन मोल एंड शुगर ग्लाइडर Did you गेट दिस ये कहाँ पर आया ये चेंज कहाँ पर आया आपका ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में ठीक है तो एक हमने अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ ली डार्विन में गलापागोज आइलैंड में दूसरी अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ ली हमने मार्सुपियज में जो कि कहाँ स्टे करते हैं ऑस्ट्रेलिया में अब बात करते हैं अगर दो अलग तरीके की अडेप्टिव रेडिएशन टू डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन एक इधर हो रही थी एक इधर हो रही थी बट जो उनसे रिजल्ट आए वो बिल्कुल मिलते जुलते आए

वन कैन कॉल दिस कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन इस पर बना लो आप पांच सितारे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है adaptive radiation अगर दो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में यह एक ज्योग्राफिकल एरिया ये आपकी एक अडेप्टिव रेडिएशन है ए आर वन अडेप्टिव रेडिएशन वन ये आपकी दूसरी अडेप्टिव रेडिएशन ए आर टू दोनों चल रही है जियोग्राफिकल एरिया सेम है बट हैबिटेट अलग अलग है दोनों के चलने से सिमिलर टाइप के रिजल्ट आए सिमिलर इधर रैट बन रहा था तो इधर भी राइट बना इधर कैट बन रही थी तो इधर भी कैट बनी इस टाइप के एवोल्यूशन को क्या बोलते हो आप कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाला क्लियर से देख लो इस पे क्वेश्चन आ सकता है वैसे पास्ट में पूछा नहीं गया बहुत पहले आते थे बट स्टिल सिंस इट इज गिवन इन एनसीईआरटी सो यू शुड नो कि में कौन कौन बना था कई बारी बॉक्स में पूछ लेते हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वर फॉर्मड इन मार्सोपियल अडेप्टिव रेडिएशन सो यू शुड नो तस्मानियन वुल्फ टाइगर कैट बैंडेड एंड टीटर वोम बैट बैंडीकोट कोयला मार्सोपलो रैट एंड कैंगरू राइट right, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वन अब हम बात कर रहे थे हमारी हमारी कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन की कि जब दो तरीके की डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन सेम तरीके के रिजल्ट बनाती हैं तो एक तो हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाली दूसरी प्लेसेंटल मैमल्स में भी अडेप्टिव रेडिएशन चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में ही पता चला जोग्राफिकल एरिया क्या है सेम कौन सा ऑस्ट्रेलिया घूमने का मन कर गया ना बच्चों इसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हैबिटेट में चल रही थी मार्सुपियल्स की रेडिएशन ठीक है दूसरे में चल रही थी प्लेसेंटल मैमल्स की एडाप्टिव रेडिएशन प्लेसेंटल मैमल्स की अडेप्टिव रेडिएशन और दोनों से कैसे रिजल्ट आए मिलते जुलते रिजल्ट आए तो इस एवोल्यूशन को क्या बोलोगे कॉनवर्जेंट एवोल्यूशन अभी तक हम नीट की तैयारी कर रहे हैं डिसंबर थर्टी कुछ डिलीट नहीं हुआ है कुछ डिलीट नहीं हुआ है नीट में जो कराया जा रहा है अभी तक सब कुछ आना है तो आप उसी पर स्टिक रहिए ठीक है सो प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन इन इन्वॉल्विंग इन टू वराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच अपियर्स टू बी सिमिलर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मार्सुपियल तो इसको क्या बोल दोगे कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये फोटो बनी हुई आपकी एनसीआर में. में. में जब मोल बना तो उन्होंने बच्चों को चीटर्स कि तू ने मोल बनाया मैं भी क्या बनाऊंगा मार्सुपियल मोल यहाँ का बना एन टीटर उसने भी क्या बना दिया एंटीटर यहां का बना माउस उसने बोला हमारा भी माउस आएगा मारसूपियल माउस लेमूर spotted cuscus flying squirrel flying fern हम भी बनाएंगे bob cat tiger cat wolf and tasmanian wolf तो इन्होंने बोला कि लड़ाई होगी तो कांटे की लड़ाई होगी ऐसे पीछे नहीं रहेंगे तुम रैट बनाओगे हम भी बनाएंगे तुम कैट बनाओगे हम भी बनाएंगे तो डिफरेंट एडाप्टिव रेडिएशन एक प्लेसेंटल मैमल की एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की लेकिन जगह एक ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है सब कुछ कहां हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में दिस काइंड ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज बच्चों कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन ओके चलिए आगे चलते हैं सो so, आगे आ जाते हैं एवोल्यूशन विच इज बाय नेचुरल सिलेक्शन In true sense would have started when cellular form of lives with differences in metabolic capacity originated on earth. The essence of Darwin theory about evolution is natural selection. ठीक है natural selection. Rate of appearance of new forms is linked to the life cycle of the lifespan. देखो सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि जिनका lifespan कम होता है वो थोड़ा जल्दी evolve कर जाते हैं जिनका lifespan ज़्यादा होता है उनको सेंचुरीज लग जाती हैं, बहुत साल लग जाते हैं बॉल करने में मैं इस पूरे को एक लाइन में आपको समझा दूंगी जैसे आपके पास इकोलाई e. है क्या है आपके पास इकोलाई e. दूसरी एग्जाम्पल ह्यूमन। अब कोई कैरेक्टर है कोई कैरेक्टर है बच्चों एंड दैट कैरेक्टर टेक्स फाइव जनरेशन फॉर अपियरिंग पांच जनरेशन अगर इसको दे दोगे कैरेक्टर को तो ये आ जाएगा अपियर हो जाएगा ठीक है आ जाएगा अब ई e को में एक जनरेशन को लगते हैं मतलब एक जनरेशन होने में लगते हैं बीस मिनट कितने मिनट लगते हैं सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स ह्यूमन में पूरी एक जनरेशन मतलब लाइफ स्पैन कितना है ह्यूमन का अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी ईयर्स चलो थोड़ा कम ले लेते हैं फिफ्टी ईयर्स ठीक है तो अगर ह्यूमन में ये कैरेक्टर लेके आना है तो पांच जनरेशन लगेंगी फिफ्थ मतलब कितने साल लगेंगे फिफ्टी इंटू फाइव 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 ज ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स लग जाएंगे इस कैरेक्टर को आने में 250 फिफ्टी ईयर्स और ईको लाई ईको लाई बड़ा मज़े कर रहा था अरे मैं तो 20 मिनट में ही डिवाइड कर लेता हूँ तो 20 मिनट में डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे में कैरेक्टर आने में कितना समय लगेगा 5 इंटू टू टू हंड्रेड मिनट्स कितना समय लगा सिर्फ 200 200 यू ना फाइव टू ओ हो हंड्रेड मिनट फाइव टू जे टेन ओके ओके यस बच्चों फाइव टू जे टेन ठीक है हंड्रेड मिनट्स और हंड्रेड मिनट्स में तो हमारी मूवी भी कंप्लीट नहीं होती सो so, टाइम कितना लगेगा इवॉल्व होने में वो डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन कितना है कम लाइफ स्पैन है तो जल्दी एवोल्यूशन हो जाएगी कैरेक्टर जल्दी आ जाएगा लाइफ स्पैन ही बड़ा है तो कैरेक्टर क्या आएगा थोड़ा सा लेट आएगा यस yes, लेट आएगा बिल्कुल ठीक अक्षय का यस yes, ठीक बता रहे हो सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरियंट पॉपुलेशन आई ग्रोज दी अदर एंड अप्यस एज न्यू स्पीशी दिस वुड है विद इन डेज फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी इकोलाई और ह्यूमन की इन्होंने एग्जाम्पल दे दी बैक्टीरिया और फिश की किस में कैरेक्टर आने में कितने समय लग सकता है कितना समय लग सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स एज द लाइफ स्पैन ऑफ दिज ऑर्गेनिज्म इज इन ईयर्स सो इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ स्पैन की कितने जल्दी एवोल्यूशन हो गए कम लाइफ स्पैन जल्दी हो जाएगी बड़ा लाइफ स्पैन तो मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं हेयर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर द न्यू कंडीशन ठीक है नेचर सिलेक्ट फॉर द फिटनेस ये लाइन समझो नेचर क्या सिलेक्ट करती है कि कौन फिट है नेचर विल सिलेक्ट वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेड ये हमने बात कर ली कि फिट कौन है जिसमें बेटर जीन्स हैं बेनिफिशियल वेरिएशन है वही फिट ऑर्गेनिज्म दूसरों को पछाड़ के एक तो प्रेजेंट में सर्वाइव कर पाएगा प्लस वही फिट ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनि बढ़ा पाएगा सो इट इज प्रेजेंट इन आवर बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व बिल्कुल। ठीक है अनदर वे ऑफ द सेम हॉस्टाइल एनवायरमेंट एंड अडेप्टिबेबिलिटी इज इनहेरिटेड ये दो लाइने सब बच्चे याद रखेंगे वही ड्रग्स वाली बात है कि पहले मीडियम ए था तो बैक्टीरिया बड़े मज़े से कितने थे ट्वेंटी फिर आपने बीच में क्या डाल दिए घातक ड्रग्स डाल दिए क्या डा... क्या डाल दिए घातक ड्रग्स डाल दिए बीस में से कितने बचे सिर्फ पांच तो पांच के पास क्या थे बेनिफिशियल जीन्स थे इसी वजह से ये क्या बना ड्रग रेजिस्टेंट बना क्यों ये जींस ने इसको किस में हेल्प की अडप्ट करने में हेल्प की अब यही आगे जाके मजे से डिवाइड करेगा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा सो इट इज इनहेरिटेड एज वेल इट विल पास टू नेक्स्ट जनरेशन एज वेल सो इट हैज जेनेटिक बेसिस एंड फिटनेस बच्चों इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड टू बी गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर राइट सब डार्विन की थ्योरी की बात करते हैं कल वैसे हमने बात की थी थ्योरी क्या है थ्योरी क्या है बच्चों नेचुरल सिलेक्शन ठीक है सिलेक्शन डार्विन ने दो चीजों के बारे में बात की थी वन वॉज ब्रांचिंग डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट नाउ वॉट इज दिस नेचुरल सिलेक्शन थके तो नहीं ना बच्चों थक तो नहीं गए <laughs> ओके नेचुरल सिलेक्शन क्या है नेचुरल सिलेक्शन में पांच पॉइंट है मेजर पांच पॉइंट है कि सब में क्षमता तो क्या है अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन के अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन की क्षमता तो है सब में लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा होता नहीं है पॉपुलेशन में नंबर हमेशा क्या रहता है Constant ही रहता है कांस्टेंट ही रहता है क्षमता तो क्या है ओवर ओवर रिप्रोडक्शन की ओवर प्रोडक्शन की लेकिन पॉपुलेशन में एक ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या रहता है लिमिटेड ही रहता है ऐसा क्यों क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लिमिटेड क्या है रिसोर्सेज हैं तो आपस में लड़ाई चलती है सब में लड़ाई चल रही है कि मुझे चाहिए रिसोर्स मैं खाऊंगा रोटी कपड़ा मकान के लिए बच्चों लड़ाइयां हो रही हैं क्या हो रहा है स्ट्रगल हो रहा है क्या चल रहा है अब आपस में स्ट्रगल चल रहा है कौन जीतेगा ये स्ट्रगल कौन जीतेगा जिसके पास है बेनिफिशियल वेरिएशन क्या है जिसके पास बेनिफिशियल वेरिएशन वो जीत जाएगा जो जीत गया वो क्या कर जाएगा सरवाइव कर जाएगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वही क्या कहलाएगा फिट कहलाएगा और वही आगे जाकर अपने नंबर को क्या करेगा बढ़ाएगा दिस विल रिप्रोड्यूस फर्दर तो ये पांच पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन के ब्रांचिंग डिसेंट मतलब यही ब्रांचिंग डिसेंट कि जो फिट है वही आगे अपने जींस को नेक्स्ट जनरेशन में देगा तो एक एंसेस्ट्री डिसेंट बनता जाएगा बट एनसीआर में इस पॉइंट के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है पॉइंट के बारे में कौन सा जिक्र है नेचुरल सिलेक्शन नाम दोनों पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ठीक है रोटी कपड़ा मकान हां बच्चों इसी के लिए स्ट्रगल चल रहा है आज क्यों सब इतनी मेहनत कर रहे हैं क्यों अच्छा खाना चाहिए अच्छा घर चाहिए अच्छे अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स होने चाहिए हमारे है ना तभी मेन जो मेहनत है जबकि ये मटीरियलिस्टिक चीजें हैं ये क्या है मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमें कुछ इससे ऊपर बढ़कर सोचना चाहिए सो इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क हैड सेड ये तो लारविन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन अगली आती है आपकी लेमार्क की थ्योरी लेमार्क ने बोला लेमार्क ने क्या बोला कि देयर विल बी इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर अक्वायर्ड समझते हो अक्वायर्ड मतलब जो बर्थ के बाद आपके अंदर आए हैं उसने एग्जाम्पल दी जिराफ की टाइम पे जिराफ की गर्दन क्या होती थी छोटी थी लेकिन ट्रीज थे लंबे लंबे तो जिराफ ने क्या किया स्ट्रेचिंग चालू करी कि मैं उन लीव्स को खा पाऊं तो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग हुई और इनकी गर्दन क्या होती गई लंबी होती गई और वही चेंज जो अक्वायर्ड फॉर्म में आया वो अगली की जनरेशन में आया तो आज आने वाले जो अब प्रेजेंट जिराफ है उनका नेक इसीलिए लंबा है क्योंकि जो पुराने जिराफ थे उसमें ये अक्वायर्ड चेंज आया था जो कि इनहेरिट हो गया जो कि नेक्स्ट जनरेशन में चला गया दिस इज़ कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरीटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स एक तो इन्होंने ये बात बोली दूसरी बात लेमार्क ने क्या बोली यूज़ थ्योरी ऑफ़ यूज़ एंड डिस थ्योरी ऑफ़ यूज़ एंड ऑर्गन विच विल यू विल नॉट यूज दैट विल बैनिश जिस चीज का इस्तेमाल करोगे वो बढ़ती जाएगी ग्रो करती जाएगी जिसका नहीं करोगे उस पर जंग लग जाएगी और खत्म हो जाएगी तो उन्होंने बोला ऐसे एक्सप्लेन किया कि जिराफ अपनी गर्दन का बड़ा इस्तेमाल कर रहे थे स्ट्रेच कर रहे थे वो बढ़ती गई बढ़ती गई और जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी वैनिश होती जाएगी सो ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ तो ये भी याद रखना है किस पे एग्जाम्पल दी थी इन एन अटेप टू फोरेज द लीव ऑन द टॉल ट्रीज बड़े बड़े ट्रीज पे लीव्स खाने के लिए दे हैड टू अडेप्ट बाईलगेशन ऑफ देअर As they passed on, पास कर दिया उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में मतलब इनहेरिटेंस किसको? दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर तो थ्योरी का नाम ठीक बैठा इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इलांगेटेड नेक्स टू तो स्लोली एंड स्लोली ओवर दस जिराफ के पास कैसा नेक आने लग गया लॉन्ग नेक आने लग गया जबकि दिस इज नॉट हंड्रेड परसेंट एक्सेप्टेड थ्योरी ठीक है नो बडी बिलीव इन दिस कंजेक्चर एनी मोर सो इस प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस क्या एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है या फिर एवोल्यूशन हो चुका है किसी प्रोसेस का रिजल्ट था <laughs> वैसे तो एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बट आपके एन ने दोनों के फेवर में एक एक एग्जाम्पल दिए। द वर्ल्ड एज वी सी इन एनिमेट एंड एनिमेट इज स्लो इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन वेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड अगर वर्ल्ड की स्टोरी पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन एक अभी भी प्रोसेस चल रहा है जैसे आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड कैसे आया पहले ये आए फिर ये आए फिर, फिर एवोल्यूशन हुई स्टिल रेवल्यूशन इज गोइंग ऑन सो इट्स अ प्रोसेस ऐसा लगता है लेकिन ऑन द अदर एंड वेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी सी वी ट्रीट एवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज नैचुरल सिलेक्शन तो दोनों के फेवर में उसने पॉइंट दे दिए थे कि प्रोसेस किस वजह से जब हमने देखा स्टोरी ऑफ वर्ल्ड एंड कॉन्सिक्वेंस कब है वेन दे सॉ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ द और डार्विन ने जो भी बातें बोली थी ना ही वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय सम वन ठीक है उसकी पूरी खुद की याद नहीं थी ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ थॉमस मॉल्थर्स ऑन द पॉपुलेशन ये पता होना चाहिए कि डार्विन की थ्योरी किस पर इंस्पायर्ड थी थॉमस मॉल्थर्स ठीक है और ये नेचुरल सिलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है दैट पॉपुलेशर स्टेबल एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लक्चुएशन क्यों क्योंकिस इवन दो दे लुक सुपरफेल सिमिलर मोस्ट ऑफ दिए इनहेरिटेड अब आप अपने आप अपने भाई बहन की तरह दिखते हैं कुछ तो भाई बहन ऐसे हैं बिल्कुल सेम शक्ल वाले होते हैं बट फिर भी फिर भी देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन बिटवीन दैम बहुत वेरिएशन होती हैं बच्चों ठीक है चाहे सिमिलर लुकिंग स्पीशीज भी है ठीक है the fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally वही पांच point है कि reproduction का potential तो क्या है बहुत है infinity potential है but resources क्या है reality तो क्या है रोटी कपड़ा मकान limited है तो आपस में क्या होगा लड़ाई competition struggle and only some will survive ठीक है some will survive ठीक है कौन सरवाइव करेगा जिसके पास बेनिफिशियल वेरिएशन है दे विल बी एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ बेटर वे क्लियर आज तो बहुत पढ़ाई हो गई बच्चों है ना बहुत पढ़ाई हो गई तो अब कर लेते हैं आपकी पढ़ाई की चेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन हां जी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियवॉल्व इन कहां पर एवोल्यूशन हुआ बता दो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियवॉल्व इन कमन कमन गाइस वन का आंसर बताओ इसके बाद जो ह्यूगो डिवरीज वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है तो मैं वो अगली क्लास में कराऊंगी ऑस्ट्रेलियन मार्क्सुपियल्स दे इवॉल्व इन ओके ओके कम ऑन कम ऑन गाइस मजा आया आज मज़ा आया बहुत अच्छे से पढ़ाई की हमने मुझे भी बहुत मजा आया आई लव एवोल्यूशन ये चैप्टर को स्टोरी बोलते हैं लेकिन इसमें कितना कुछ है पढ़ने के लिए कितना कुछ है है ना ऑस्ट्रेलियन मार्क नाम में ही है बच्चों ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे एवोल्यूशन हुई ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट राइट चलो आगे आइडिया विच इज नॉट रिलेटेड टू डार्विन मैं साइमल्टेनियसली आपका क्विज भी ऑन कर रही हूं आइडिया विच इज नॉट रिलेटेड टू डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इनहेरिटेंस ऑफ अ क्वाइट कैरेक्टर ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन कम ऑन कम ऑन आंसर दो एक सरप्राइज है बच्चों आपके लिए तो ट्यूसडे का सेशन जरूर अटेंड करना मंडे को ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्रैक्टिस है एंड ऑल्सो कॉम्बैट की तैयारी हो रही है सुबह साढ़े नौ बजे ग्यारह बजे पेपर है तो साढ़े नौ बजे मिल रहे हैं है ना देखो मैम कितनी मेहनत कर रही है आपके लिए बट आई लव दिस थिंग दिस इज द ओनली थिंग विच आई डेडिकेशन क्या आंसर निकाला टू का क्या आंसर निकाला बिल्कुल इनहेरिटेंस ऑफ़ के बारे में बात आ गई लिमाक गेव एग्जाम्पल ऑफ डैश टू तो एक्सप्लेन हिस थ्योरी किसकी एग्जाम्पल दी थी जिराफ पिंच मार्सुपियल और प्लासेंटल मैमल्स कोड जनरेट हो रहा है साइमल्टेनियसली आपके लिए कमन गाइस थर्ड का आंसर दीजिए थर्ड का आंसर दे दो और साइमल्टेनियसली अपनी अन अकेडमी की लर्निंग एप ओपन कर लो यहां पर क्विज होने वाली है क्विज होने वाली है ओके लमा गेव एग्जाम्पल ऑफ बता दिया जिराफ वेरी गुड वेरी गुड चलिए फोर्थ वन की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन फिटनेस ब्रांचिंग डिसेंट बोथ अच्छा नेचुरल सिलेक्शन और बोथ टू एंड थ्री बोथ टू एंड थ्री हाँ जी बताइए ऑन गाइज बता दो कोड भी जनरेट हो चुका है कोड में बता दूं जिसने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप खोल रही है हमारा आज का कोड है थर्टी थ्री सेवेंटी फोर फिफ्टी फोर कमन ज्वाइन फास्टली इसका आंसर दो की कॉन्सेप्ट क्या है फोर्थ का आंसर है बोथ टू एंड थ्री ब्रांचिंग डिसेंट नेचुरल सिलेक्शन लेकिन एनसीआरटी में किसकी बात की गई है मेनली नेचुरल सिलेक्शन थर्टी थ्री सेवेंटी फोर फिफ्टी फोर ओहो दो क्वेश्चन आगे हो गए फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स टू दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताओ फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स टू इज इट डोमिनेंस ओवर द अदर क्यों फिट है जो 10 किलो का डंबल उठा ले जो 50 किलो का डंबल उठा ले या फिर बच्चों जो बेटर रिप्रोड्यूस करे बताओ 33, 74, 54, ये कोड है हाँ जी रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिस फिटनेस की बात की थी दैट वॉज रिप्रोडक्टिव फिटनेस फाइव का सी नहीं डी है ये नहीं करना कि जो रोटी कपड़ा मकान बेटर तरीके से ढूंढ ले नो अकॉर्डिंग टू फिट इज़ द वन जो बेटर रिप्रोड्यूस करेगा रिप्रोड्यूस वही करेगा जो स्ट्रगल में जीता था जिसने रोटी कपड़ा मकान पे फतेह जीत ली थी ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड दिस इज योर होमवर्क दिस बच्चों इज योर होमवर्क होमवर्क का आंसर आप में लिखेंगे कमेंट सेक्शन में चैट सेक्शन में नहीं कहां लिखेंगे कमेंट सेक्शन में प्लेसेंटल वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ में कौन सी एवोल्यूशन है वैसे तो सबको पता है अन का लर्निंग ऐप खोलिए टेस्ट में जाइए इस तरीके से लर्निंग ऐप खुलेगा टेस्ट में जाना है टेस्ट में जाने के बाद ज्वाइन को इस पर क्लिक करना है फिर डाल देना है हमारा आज का कोड कोड को ज्वाइन कर लो दैट इज थर्टी थ्री सेवन थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी फोर कोड इज थर्टी थ्री सेवनटी फोर फिफ्टी फोर फास्टली ज्वाइन बचो फास्टली थर्टी थ्री सेवनटी फोर फिफ्टी फोर दिस इज आवर टूडेज कोर्ट ओहोह ये भी चाहता है कि मैम आज आपने बहुत पढ़ा लिया अब कर दो आप इसे बंद अब हमें जाना पड़ेगा वापस वापस बच्चों ओहो शुरुआत पे आ गए हम क्या गड़बड़ हो गई चलो कोई बात नहीं यहीं से बात कर लेते हैं कि अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बेस्ट है आपके लिए क्रैश कोर्स चालू हो रहा है प्लस पर मंडे से तो चूज वाइजली वो क्रैश कोर्स अच्छा है जहां इंडिविजुअल अटेंशन हो जहां प्रैक्टिस हो जहां टीचर आपका नाम जानता हो भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं होता बाकी आप खुद समझदार हैं ठीक है जब भी सब्सक्रिप्शन लेनी हो तो ये सारे कोर्सेज आपके सामने आएंगे बट द कोर्स दैट यू शुड शूड शुड बी द वन जिसमें आपको जिसमें बच्चों आपको मैक्सिमम टाइम मिले टीचर के साथ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम मिले ठीक है आज अच्छा नहीं हो रहा वैसे हमारे साथ है ना मैक्सिमम टाइम मिले सिक्स मंथ वन ईयर ईयर वाला बेस्ट होगा इकोनॉमिकल भी है टाइम भी मिलेगा सारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा कोड आपको क्या यूज करना है सीप सीप्लाइव जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा टेन परसेंट ऑफ ऑन टोटल अमाउंट एंड बच्चों आइकॉनिक में इन सबके साथ प्लस के साथ आपको क्या मिलता है एक पोस्टनलाइज कोच क्या मिलता है बच्चों एक पोस्टलाइज कोच एक कोच के पास एक ही स्टूडेंट होता है तो आप इमेजिन कर लो कितना इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिलेगा यहां पर यहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं सी प्लाई योर मैम इज ऑल्सो अवेलेबल ठीक है टेन परसेंट ऑफ ऑन टोटल अमाउंट एंड सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट दिस मार्च हमारी क्विज चालू हो चुकी है ठीक है क्विज चालू हो चुकी है कोड है हमारा यस थर्टी थ्री सेवनटी फोर फिफ्टी फोर फटाफट से ज्वाइन कर लो थर्टी थ्री सेवनटी फोर फिफ्टी फोर कल का स्केड्यूल बता लू 11 बजे कॉम्बैट है जिसने अभी भी एनरोल नहीं किया तो फटाफट से जाके एनरोल करो आपके लिए इनवाइट कोड क्या रहेगा सीप्लाई भी रहेगा क्या रहेगा सीप्लाई लाइव इट्स अ फ्री टेस्ट फिर भी आपको यू नो इनवाइट कोड डालना पड़ेगा सीप्लाई ठीक है और स्पेशल क्लास पे बीट द बैकलॉग सीरीज चल रही है वहां जाकर एनरोल कर लो फ्री क्लासेज हैं कोड विल रिमेन सेम सी क्रैश कोर्स प्लस पर हो रहा है उसके लिए सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी एंड कल सुबह साढ़े नौ बजे राइट बिफोर द कॉम्बैट वी विल मीट फॉर द लास्ट लेग प्रेपरेशन ऑन यूट्यूब टुमारो एट नाइन थर्टी ए एम ठीक है तो इससे पहले अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कर लेना साढ़े नौ बजे बायो की रिविजन आपकी यहाँ मेरे साथ होगी ठीक है चलिए अब मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में तब तक के लिए एवरी वन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी स्टे हेल्दी बाय बाय